अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू एडवांस पीएचपी प्रोजेक्ट। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जो है ये टाइटल और रीड मोर को जो है उसकी मदद से जो है वो डिस्प्ले करवाया, ठीक है जी। पेजेस डॉट पीएचपी का पेज हमने क्रिएट किया था और अभी जो है हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं इस साइड बार पे, ताकि इससे भी हम लोग जो है वो हो जाएँ, तो फिर जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह आएंगे और दूसरी चीज़ों को जो है यहाँ पर जो सर्च इंजन है और जो कॉन्टैक्ट आस का पेज है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है फिर एडमिन पैनल भी हमने बनाना है, एडवांस एडमिन पैनल, ठीक है जी। तो अभी के लिए जो है ये जो हमारा वो है साइड बार है, इस पर काम करते हैं। साइड बार पे काम करने के लिए सारे पेजेस हमारे पास ओपन है, साइड बार हमारे पास यहाँ पर ओपन है। ये सिंपल, इसके अंदर एक टेक्स्ट है थोड़ा सा, ठीक है। पहली बात तो ये कि इसको हमने स्टाइल दिया था 600, हमने हाइट जो है इसका रखा था, ठीक है जी। उसको हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि हाइट की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम डेटा जो है इसमें रिट्रीव करेंगे और जितना डेटा होगा, जैसे कि पोस्ट बॉडी में हमने किया था, ठीक है, उस तरह इसमें भी करेंगे, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, वो हाइट हमने हटा दी, अब ये इस तरह होगा, ठीक है। जैसे इधर डेटा आ रहा है, इस तरह इधर भी डेटा आएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, इसमें काम स्टार्ट करते हैं। साइड बार में हम चाहते हैं कि पहले नंबर पर तो इसमें जो है वो हो, यानी कि पहले नंबर पर तो इसमें कि पहले नंबर पे तो पॉपुलर पोस्ट हो, या हमारे पास ईमेल बॉक्स हो, जो कोई ईमेल में हमें जो है सब्सक्राइब करना चाहे, या सोशल बटन्स हो, ठीक है। सोशल बटन्स भी आप ऐड कर सकते हैं, फॉलो आस वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन हमारा काम वो तो HTML का काम है, CSS का काम है, वो तो ईजी है, वो तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई है कुछ सोशल बटन्स, वो मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर से जो है HTML के मेरे कोर्स में मैंने वो सिखाए थे, उसको मैं यहाँ से जो है वो कर लेता हूँ। न्यू HTML कोर्स में जाके यहाँ पर जो वेबसाइट लेआउट मैंने क्रिएट किया था, ठीक है, माय वेबसाइट के नाम से, इसको यहाँ पर मैंने ऐड की है, ठीक है जी। उनको मैं जो है आपको दे देता हूँ, हम ऐड कर लेते हैं उसको। एक वो भी है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहो ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स भी है, उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ उसका कोड यहाँ से, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है आप डायरेक्टली वहाँ पीड बर्नर से उठा सकते हैं, ठीक है। और इसको साइड बार में ला के इधर पेस्ट कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स आ गया इसके अंदर, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, आके रिफ्रेश करें तो ये आ गया जी, एंटर यूर ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स है सब्सक्राइब, ठीक है, फीड बर्नर की तरफ से। इसको टाइटल भी दे सकते हैं कि H2 में लिखे, ठीक है, सब्सक्राइब वे ईमेल, कंट्रोल एस करके सेव करें, ये आ गया जी। यहाँ पर इसमें कहीं पर जो है वो है, कोई लाइन है आई थिंक कि अच्छा जी बॉर्डर है, सॉरी बॉर्डर हटा देते हैं यहाँ पर CSS में आके साइड बार। नहीं, बॉर्डर तो यहाँ कोई नहीं है भाई, साइड बार में आके फॉर्म, डिलीवर्ड बाय जो है इसको तो हटा दिया मैंने, ठीक है। बहरहाल ये आपका आ गया सब्सक्राइब वे ईमेल। सोशल बटन्स आपको चाहिए तो वो भी मैंने ऐड की हुई है यहाँ पर, ठीक है। किधर है फॉलो आस के बटन है, ये देख सकते हो आप। इसके लिए ये जो है एक ड्यू जो है मैंने क्रिएट किया था, उसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और उसी में जो है उसकी नीचे जो है ये फॉर्म के नीचे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। और इधर एक कॉमेंट लिख देता हूँ, सोशल बटन्स, ठीक है।
ये आ गए आपके सोशल बटन्स, ठीक है जी। और इसकी क्लास जो है वो मेरे पास यही इसी फोल्डर में पड़ी हुई है, HTML के जो डिज़ाइन है हमारा, इसमें जो है यहाँ पर इसकी इसका क्लास है वो भी जो है मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ आपके सामने। सोशल के नाम से है, ये है जी, ये सोशल जो है इसका पूरा क्लास जो है यहाँ से मैं कॉपी करके अपने वाले PHP के लिए हमने जो बनाया था इसमें जो है वो कर देता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। इमेजेस की बात आती है तो इसके अंदर इमेजेस है, इसी माय वेबसाइट के अंदर ये इमेजेस है सोशल के लिए, ठीक है। तो गूगल, फेसबुक, ट्विटर और एक और है पिंटरेस्ट का, अब वो कहाँ है मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेट्स चेक। हाँ जी ये है पिन, गूगल, फेसबुक और ट्विटर, इन सारे चारों इमेजेस को जो है मैं कॉपी करके अपने वाले फोल्डर में लेकर आता हूँ, यहाँ पर जो हमारा फोल्डर है PHP का, ठीक है, जो मलाला का उसमें था ना। अभी इसको रिफ्रेश करें, एक्चुअली हमने इस पेज को मेरे ख्याल से वो नहीं किया है, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं और साथ में जो है ये हमारा साइड बार जो है इसको हमने मेरे ख्याल से सेव नहीं किया, कंट्रोल एस करके इसको भी सेव करते हैं। अभी आके रिफ्रेश करते हैं, ये बटन आ गए जनाबे वाला, तो ये बटन्स आ गए आपके पास। मैं एक चीज़ पे हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये एक मिनट चेक करते हैं कि ये क्या मसला है। स्टाइल का जो हमने भी ऐड किया है, ओ यहाँ पर जो है बॉर्डर है, ठीक है, ये सोशल बटन्स के अंदर बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ, बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है भाई हमें, और रिफ्रेश कर देते हैं तो बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर भी बॉर्डर ख़त्म नहीं हुआ, ये बॉर्डर जो हमारे पास आ रहा है कहाँ से आ रहा है, अच्छा जी इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये इंडेक्स को भी ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम वापस अपनी PHP की प्रोजेक्ट पे आते हैं। ये जस्ट आपको बताना था कि अगर आप ऐड करना चाहते हैं ईमेल बॉक्स वगैरह ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमारा इधर अपने लिंक सेट करें, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम है बेसिकली PHP का, ठीक है। तो हमारा काम जो है वो PHP का है और हम साइड बार में इस वक्त लगे हुए, एक बॉक्स और सोशल बटन्स हमने कुछ ऐड की है, ठीक है। फॉलो सेंटर, लाइन सेंटर, मेल वेरीफाई, अच्छा जी यहाँ पर है बॉर्डर, ठीक है यहाँ पर है, इस बॉर्डर को भी हटा दिया। अब यहाँ पर आके रिफ्रेश कर दिया तो ये बॉर्डर मॉडर गायब है, ठीक है जी। ये असल में ये फीड बर्नर की इसमें बॉक्स में जो है बॉर्डर इन्होंने इनलाइन स्टाइल में दिया था, ठीक है। तो H1 जो है H2 का टेक जो है वो हमारा इस पे अप्लाई हुआ है, इसको हम मज़ीद जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ये जो है। और यहाँ पर जो सोशल बटन्स है फॉलो अस, इसकी क्लास जो है उसमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा और इसको वो करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन करना पड़ेगा इसका सेंटर, ठीक है, ताकि ये सेंटर पे आ जाए, हमारे बटन्स जो है वो सेंटर पे आ जाए, ठीक है। ये सेंटर पे आ गए बटन्स, और अभी जो H2 है यहाँ पर साइड बार में जो भी H2 आएगा उस H2 टेक को थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं यहाँ साइड बार से नीचे आके, ठीक है जी। उसमें कहते हैं कि भाई जो साइड बार है, साइड बार की जो ID है, ठीक है, उसके अंदर जो कि H2 का टेक होगा H2, ठीक है, उसका कलर जो है वो कौन सा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है वो हो जाए येलो, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए 22 पिक्सल्स, ठीक है। और एक और चीज़ हो जाए जो फ़ॉन्ट फैमिली, मैं चाहता हूँ कि कॉमिक एक फ़ॉन्ट का नाम है,
सेंस एमएस ये हो जाए, और टेक्स्ट अलाइन जो है मैं सेंटर करना चाहता हूँ, टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर हो जाए, ठीक है जी। और पेडिंग जो है वो 4 पिक्सल, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अभी देखिए ये जो आपकी ये H2 है ना, ये थोड़े से अपने चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। फॉलो अस, सब्सक्राइब वे ईमेल, और ये सारे जो है वो बीच सेंटर पे आ गए और ख़ूबसूरत भी हो गए। अगर थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लो, बढ़ा लो, तो और भी अच्छा लगेगा। कंट्रोल एस करके सेव किया, फ्रेश किया, तो ये है जी, यहाँ तक ये तो आ गए जनाब। ये साइड बार भी आपका खूबसूरत नज़र आने लगा। अब हमारा जो पीएचपी का असल काम है वो ये है कि यहाँ पर हम या तो पॉपुलर पोस्ट जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है, और या रेसेंट पोस्ट जो हमारे पास है, रेसेंट पोस्ट से मुराद है कि जो रिसेंटली हमने पोस्ट की है वो जो है यहाँ पर हम शो कर सकते हैं इन सब्सक्राइब वे ईमेल और फॉलो अस से नीचे, ठीक है। तो डेफिनेटली इट्स वेरी इजी, लेकिन इसके लिए अगर हम नेक्स्ट वीडियो में आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा ब्रेक मिले और हम आसानी से जो है थोड़ा सा तफसील के साथ इस साइड बार में काम करेंगे, ठीक है। ये इससे नीचे जो बटन्स हैं, इनसे नीचे आके यहाँ पर जो है हम अपना मज़ीद काम करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।